ये करीब 3.5 महीने की फसल हो गई है और अब ये फसल तैयार है रोपाई हेतु। तो इसमें जड़ों का सिलेक्शन करते हैं, शंकुलाकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो डाया हो करीब करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है, इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं। और जब चयन के कर लेते हैं तो इसको इसकी हम एक छटाई करते हैं और जब छटाई करते हैं तो इसको 2 इंच नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया, इसमें ध्यान में रखते हैं कि दोनों ही गाजर को जिसमें दो तरीके के आपस में निकले हुए हैं जड़े, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत से ज्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि गाजर की प्लांटिंग जो करते हैं उससे पहले हमें बेड कैसे बनानी चाहिए। इसको बेड मेकर से हमने बेड बनाई है। जब बेड बनाई है तो उसके आप देख रहे हैं कि ये बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ, 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की। और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है। ये जो वहाँ हमने सिलेक्शन करके बताया था कि इसकी कैसे कटाई करनी चाहिए और उसको वहाँ से हम ले के आए हैं अब जहाँ पे इसका रोपण होना है। और वहाँ से जो हम ले के आए, ये देखिए ढेर है इसमें से, इस तरीके का हमने जो बताया था। और उसको ध्यान में ये रखते हैं कि जब इसकी इस तरीके से इसको फैला लेते हैं और 2 फीट की दूरी का हम वो रखते हैं और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए और सिर्फ ये बाहर रहेगा। आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से सही ढंग से लग गया। इसकी जो जब इसमें हम पानी लाएंगे तो इसकी नमी इसको पर्याप्त मिलेगी। इस तरीके से बराबर दूरी पे इसको लगाते रहते हैं और इसकी इस लगाने के उपरांत इसमें हल्का सा पानी चला देते हैं और ये नमी में आ जाता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत बढ़िया होता है। गाजर बीज उत्पादन में कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। आप क्रॉप को एस्टेब्लिश करवा दिया, आपने रोगिंग कर ली, आपने बीडिंग कर ली, आपने खरपतवार मुक्त क्रॉप कर ली और इसके बाद आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आई, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एक खेत से दूसरे खेत की दूरी, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति की दूरी कम से कम 100 मीटर तो अति आवश्यक है। वरना क्या होगा, उसकी मक्खियां इधर आ जाएंगी और उसके उस जो बीज है वो दूषित हो जाएगा। जब ये फ्लावरिंग पे फसल आती है तो इसमें अगर हम हनी बी के वो रख दें, छत्ते रख दें, जालियां रख दें, तो उससे इसकी पैदावार और ज्यादा हो जाएगी। कि 1 एकड़ में करीब हमको, पिछली बार हमने 1 एकड़ क्रॉप लगाई थी सीड के लिए, तो उसमें हमको करीब 4.5 क्विंटल से 5 क्विंटल तक हमको बीज मिला था। तो अगर आप देखें प्रति एकड़ पैदावार के हिसाब से तो 2000 रुपये पर केजी हमारा गाजर का बीज बिकता है और करीब करीब हम इसमें 500 केजी बीज 1 एकड़ में हम तैयार कर लेते हैं।